नमस्कार दोस्तों, इंफोडोस्क के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बेंगलोर से, जहां पर दोस्तों बीबीएमपी बेंगलोर में इंपोर्टेंट रोड्स को भी रिपेयर करने जा रहा है और इसको लेकर कर्नाटका सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों वैसे ये काम कई सारे फेज में किया जाएगा। इस फेज में बीबीएमपी के द्वारा 389.7 किलोमीटर के रोड्स को रिपेयर किया जाएगा, जिसके ऊपर 694 करोड़ रुपीज वो खर्च करेंगे। डैमेज रोड्स की रिसर्फेसिंग, ड्रेनेज सिस्टम के इम्प्रूवमेंट और नए पेमेंट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। दो सालों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है और उसमें से 300 करोड़ रुपीज इसी साल खर्च कर दिए जाएंगे, जबकि अगले साल 394 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे। और इसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन महादेवपुरा जोन को दिया गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 101 किलोमीटर के रोड्स वहां पर रिपेयर किए जाएंगे और होपफुली जल्द यहां पर काम भी स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु मैरिटाइम बोर्ड स्टेट में भी कोर पोर्ट को डेवलप करने जा रहा है और इसके लिए कडलूर सिटी को उनके द्वारा चुना गया है। दोस्तों तमिलनाडु मैरिटाइम बोर्ड यूजुअली काफी कम पोर्ट्स को सेटअप करता है, अगर आप इसे मुंबई या फिर गुजरात के मैरिटाइम बोर्ड से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो हर एक दो साल में कोई ना कोई नई पोर्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। पिछले एक दशक के अंदर अंदर तमिलनाडु मैरिटाइम बोर्ड के द्वारा सिर्फ एक ही पोर्ट को तमिलनाडु में सेटअप किया गया है। कडलूर में जो भी एग्जिस्टिंग पोर्ट है उसी के बगल में इस नई पोर्ट को बनाया जाएगा, जिसकी 13.5 मिलियन टन फ्रेम की कैपेसिटी होगी। पहले फेज में 1500 से लेकर 2000 करोड़ रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो बनने के बाद बहुत इंटरनेशनल कार्गो और कोस्टल शिपिंग को हैंडल कर पाएगी। पहले फेज में 10 बर्थ्स यहाँ पर सेटअप की जाएंगी और अगर ये पोर्ट सक्सेसफुल होती है तो आगे चलकर 15 और बर्थ्स यहाँ पर ऐड की जाएंगी और इसकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाकर 40 मिलियन टन पर्यंत कर दी जाएगी। अगले दो महीनों के अंदर अंदर तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा यहाँ पर टेंडर फ्लोट किए जाएंगे और मोस्ट विलेजली 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये पोर्ट पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही होगी। अगली दो खबर तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन फर्म रघुवंशी एरोस्पेस लिमिटेड हैदराबाद में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने जा रहे हैं और इसको लेकर उनके द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो उस फैसिलिटी को वो 300 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करके सेटअप करेंगे, जहाँ पर हाई प्रोसीजन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। अभी हैदराबाद के हार्डवेयर पार्क में इस फैसिलिटी को सेटअप किया जाना है, जहां पर 8 एकड़ का प्लॉट उन्होंने खरीद लिया है। इस फैसिलिटी का ओवरऑल बिल्टअप एरिया 2 लाख स्क्वायर फीट का हुआ और 3 अलग अलग बिल्डिंग्स यहां पर बनाई जाएंगी, जहां पर 15 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग बेस होंगे। अगले साल सितंबर के आसपास ये बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके थ्रू 2000 के आसपास जॉब्स यहां पर जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट ड्रोन कंपनी EVPL से है, जो बिहार में उनके नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करने जा रहे हैं और इसको लेकर उनके द्वारा इनिशियली 15 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे। तो सो स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जहां पर इनके द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बिहार के लिए काफी अच्छी अपडेट हो सकती है, क्योंकि बिहार में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज काफी कम देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। पटना के पास बिहार इंडस्ट्रियल एरिया में बनकर तैयार हो रही है, जो ओवरऑल 16,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली होगी। 24,000 के आसपास ड्रोन्स एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएंगे और 200 के आसपास डायरेक्ट जॉब इसके थ्रू जनरेट होंगी। अभी दोस्तों अपडेट गुड़गांव मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों गुड़गांव मेट्रो की नई मेट्रो लाइन के ऊपर फाइनली काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा सिस्त्रा इंडिया को इसके लिए डेडिकेटेड डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में चुन लिया गया है। तो सो ये मेट्रो लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच में बनकर तैयार होगी और क्योंकि रिसेंटली भी हरियाणा में इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के चलते इसका फाउंडेशन फरवरी में ही रख दिया गया था, पर यहाँ पर कुछ खास काम हुआ नहीं है। पर अभी जो सिस्त्रा इंडिया को यहाँ पर कंसल्टेंट हायर किया गया है, उनके द्वारा अगले 2-3 महीने तक यहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पर इस मेट्रो लाइन की पूरी अलाइनमेंट और मेट्रो स्टेशन को फाइनलाइज किया जाएगा। हर स्टेशन के अगल बगल 500 मीटर के एरिया को बफर जोन यहाँ पर बनाने की बात की गई है, ताकि आगे चलकर जब मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन करने की बात आए तो एटलीस्ट लैंड को लेकर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे के द्वारा नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन को अभी एक मिनी वंदे भारत ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और अब ये 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन के रूप में ऑपरेट होगी। दोस्तों नागपुर सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन अभी एक 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन है और ये रेलवे की प्रमुख लीस्ट सक्सेसफुल वंदे भारत ट्रेन रही है, क्योंकि रेलवे के अकॉर्डिंग इसकी एवरेज ऑक्युपेंसी जस्ट 25% के आसपास है। 19 सितंबर के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से लेकर अब तक सिर्फ 8 ही ऐसे दिन गए हैं जहां पर इसकी ऑक्युपेंसी 100% से ऊपर देखने को मिली है, और वो भी मोस्टली वो दिन थे जब दीपावली थी। उसके बाद दोबारा से इसकी जो एवरेज ऑक्युपेंसी है वो गिर कर 25% के आसपास आ गई है और इसी के चलते नागपुर डिवीजन ने सेंट्रल रेलवे को प्रपोजल भेज दिया है कि इसको एक 8 कोच की वंदे भारत ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया जाए। और क्योंकि वंदे भारत के रेक्स को डिटैच नहीं किया जा सकता है तो मोस्टली ICF के द्वारा जो नई 8 कोच की वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी वो यहाँ पर फिर ऑपरेट होगी। अगली दूसरा अपडेट अहमदाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लोटस पार्क का डिजाइन फाइनलाइज कर दिया गया है और जब भी लोटस पार्क बन जाएगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों लोटस पार्क स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पज के लिए बनाया जाएगा, SG रोड पर देव सिटी के पास में लोकेटेड होगा, जो ओवरऑल 25,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करेगा। इसका डिजाइन एक लोटस की तरह होने वाला है, जिसका हर एक पेटल
देश की अलग अलग स्टेट्स के फ्लावर्स को शोकेस करेगा। इसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए मल्टीपल पब्लिक अमेनिटीज यहाँ पर बनाई जाएंगी, जिसमें कैफेटेरिया, रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज और लैंडस्केप डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जाना है। 70 से लेकर 80 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च की जाएंगी। और अभी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 20 करोड़ रुपीस एलोकेट भी कर दिए हैं। होपफुली जल्द इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगले दोस्तों फिर से अपडेट हमारे रेलवे को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। और अभी हमारे एक रेल ऑफिशियल के द्वारा बताया गया है कि ये वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर के बीच में ऑपरेट होगी। दोस्तों आपको याद होगा तो आज से कई हफ्ते पहले मैंने आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आपको दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर के बीच में ऑपरेट होती हुई दिखाई दे, और अब यहाँ पर वही चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली से ये ट्रेन स्टार्ट होगी जो अंबाला, लुधियाना, कठुआ, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, संगलदन और बनिहाल होते हुए श्रीनगर में जाकर टर्मिनेट होगी। 800 किलोमीटर के आसपास ये जर्नी होगी, जिसको 13 घंटे में कम्प्लीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों पहली बार चेनाब ब्रिज के ऊपर कोई पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ट्रायल तो कंडक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो कमर्शियल ट्रेन है वो यहाँ पर भी ऑपरेट नहीं की गई है। और एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चेनाब ब्रिज के ऊपर ऑपरेट होगी, तो यहाँ से इंडियन रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन का आपको पूरा टेस्टमेंट देखने को मिलेगा कि कैसे और कितनी तेजी से इंडियन रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। और अभी जिस हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के आसपास ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंदौर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लेकर फाइनल हर्डल अभी क्लियर हो चुकी है। और अभी एमपीआरडीसी ने इसको लेकर अनाउंस कर दिया है कि ईयर एंड तक इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसको इंदौर के बिथमपुर में बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और RVNL तीनों मिलकर इसको सेटअप करेंगे। कुल मिलाकर 112.6 हेक्टेयर ऑफ एरिया में फैला होगा, जिसमें से ऑलमोस्ट 22 हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी, बाकी 90 हेक्टेयर ऑफ लैंड को प्राइवेट लैंड एक्वायर करनी थी, जो कि अब एक्वायर कर ली गई है। 1110.6 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। और पहले फेज में ही कंटेनर डिपो, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, आयरन और स्टील यार्ड, ग्रीन स्टोरेज और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफिस यहाँ पर बनाए जाएंगे। और भी जैसा कि MPRDC ने बताया, ईयर एंड तक इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर सबर्मन रेल कॉरिडोर के अंतर्गत अभी एक लाइन को कैंसिल किया जाएगा, और इसको लेकर कर्नाटक सरकार के द्वारा डिसीजन ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं, तो बेंगलोर सबर्मन रेल की जो लाइन वाइट फील्ड से कैंगरी के बीच में बनाई जानी थी, उसको यहाँ पर कैंसिल करने की बात की गई है, क्योंकि अगर ये बनती है तो एक टाइप से यूजलेस होगी। अब जरा इस फोटो को देखिए, जहाँ पर सबर्मन रेल लाइन जो कि वाइट फील्ड से कैंगरी तक और मेट्रो लाइन व्हाइट फील्ड से चिलाघट्टा तक है, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है। तो एक ही रूट पर मेट्रो को चलाना और सबर्बन रेल को चलाना इतना ना तो फिजिबल होगा और ना ही प्रॉफिटेबल होगा। और रिव्यू के बाद ये पाया गया है कि यहाँ पर मेट्रो ज़्यादा फिजिबल होगी अगर आप इसे सबर्बन रेल से कंपेयर करते हैं। और उसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि सबर्बन रेल लाइन को यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा और अब यहाँ पर सिर्फ मेट्रो ही आपको चलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।